तारीख थी 1 जनवरी 1818 जगती भीमा कोरेगांव पुणे। जब सिर्फ 500 महार अपनी जान की परवाह किए बिना पेशवा बाजीराव की 28,000 सेना से भिड़ गए। ये बात है 19वीं सदी की, जब पेशवाओं ने मराठाओं से छल करके उनकी सत्ता हथिया ली और दलितों और शूद्रों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। पेशवाओं के राज में शूद्रों को गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधने को कहा जाता था। मटका इसलिए कि उनका थूक जमीन पर न गिर जाए और झाड़ू इसलिए ताकि उनके चलने से उनके पैरों के निशान मिट जाए। यहाँ तक कि शूद्र सिर्फ दोपहर के समय ही बाहर निकल सकते थे और उनको पैरों में घुंघरू बांधना जरूरी था ताकि घुंघरुओं की आवाज सुनकर ब्राह्मण उनसे दूर हो जाए और अपवित्र होने से बच जाए। अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाया और शूद्रों को अपनी सेना में शामिल करके महार रेजिमेंट बना डाली। और जब 1 जनवरी को पेशवा और अंग्रेज आमने सामने हुए तो अंग्रेजों की सेना में सिर्फ 800 सैनिक थे, जिनमें से 500 वीर महार थे, और उन 500 वीर महारों ने पेशवा बाजीराव की 28,000 की सेना को एक दिन के अंदर धूल चटा दी। इस युद्ध में अंग्रेजों के सिर्फ 49 सैनिक ही मारे गए थे, जिसमें से 22 वीर महार थे। इस युद्ध में शहीद हुए वीर महारों की याद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुणे के कोरेगांव में एक जयस्तंभ भी बनवाया था, जिसे आज भी 1 जनवरी को लाखों लोग देखने के लिए आते हैं। दिल से सलामी इन वीर महार सैनिकों को।